आपका सुपर अपलाइन चैनल में स्वागत है। दो लाइनें, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लूं। मन में ना मेल रखो, मन में ना मेल रखो, अमृत हृदय में घोलो, आंखों में प्रेम बरसे, मीठी जुबान बोलो, क्यों नफरतें बढ़ाए, क्यों नफरतें बढ़ाए जब रहना एक घर में, अपना उन्हें बना जो भी मिले सफर। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी गाने में कुछ शब्द सुने, मन में न मेल रखो, मीठी जुबान बोलो, आंखों में प्रेम बरसे, अमृत हृदय में घोलो, इस जुबान जो है ये बड़ी पावरफुल चीज है। ये पूरी धरती पर प्रेम भी पैदा कर सकती है और पूरी धरती को युद्ध में भी ले जा सकती है। तो हम जो बोलते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, हमारी अत्यधिक महत्वपूर्ण। बोलने में होश का रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम बोलते बोलते होश की जो पकड़ है ना, वो छूट जाती है, और फिर जो निकले जो निकले। तो जब होश की पकड़ छूटती है, जब निकलता है, तो वो कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो जाती है। क्रोध आता है, क्रोध आता है तो बोलना शुरू करता है इंसान, और सामने वाले ने वापिस कुछ नहीं बोला जब तक मामला फिर भी कंट्रोल में रहता है। सामने वाले ने वापिस कुछ और आपको चढ़ा दिया, कुछ बोल दिया, तो वो जो हमारा होश वाला जो पार्ट है ना, जो होश है, वो पकड़ छोड़ देता, और तो उसकी पकड़ छूट जाती है, और फिर कुछ भी मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद क्या क्या हो सकता है ये मुझे बताने की जरूरत। हत्या तक हो चुकी है धरती, बिना कारण। कोई पुराना दुश्मनी नहीं, कोई बहुत बड़ा किसी का नुकसान नहीं किया, आपस में कोई जान पहचान भी नहीं, लेकिन ऐसी घटनाएं कितनी सुनने में आती है कि कोई छोटा सा मामला था पर क्रोध हुआ, आपस में बोलना शुरू हुआ, और अंत में जाके हत्या कर दी या मारपीट कर दी, या बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा कर दी, बहुत बड़े उसमें दुश्मनी में बदल गया,
और आपस में फिर इधर का एक समूह और इधर का समूह आके, और फिर बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। बड़ी लड़ाई छिड़ के फिर पूरा शहर में दंगे फसाद हो गए। कहाँ से शुरू हुई थी बात? छोटी सी बोली सी। तो बोली में होश का रहना बहुत जरूरी, ये आदत तो ये अभ्यास में करना। कई बार हम चेक करें, हम कभी दूसरों को सुन के चेक करें, फिर अपने आप को भी चेक करें। मैं भी तो ऐसा ही कर रहा हूँ, मेरे से भी ऐसा हो रहा। कई लोग बोलते बोलते क्या वो फिर मशीन के जैसे हो जाते, वो पता नहीं ऐसा एक मैकेनिज्म स्थापित हो जाता है, और वही शब्द वही तरीका वो रिपीटेशन वो चलता रहता है। होश नहीं होता, बस मशीन चल रही, ये नोट करना। तो मशीन नहीं है, मशीन के जैसे बोलेंगे तो होश छूट जाएगा। और ये अक्सर कर हमसे होता है कि हम बोलते समय होश भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि गुस्सा की बात हो तभी होश उठता है, अच्छी बात में भी होश उठता है। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं, बढ़िया बातचीत कर रहे होते हैं, और ऐसी कोई मजाक कर देते हैं कि वो सारा माहौल जो है ना वो एकदम बदल जाता है। बेहोशी में कुछ भी बोल दिया, ऐसा शब्द बोल दिया और किसी का दिल एकदम टूट गया। होश ऐसा नहीं कि क्रोध के टाइम में होश छूटता है, कभी भी होश छूटना नुकसानदायक होता है। किसी को भाषण दे रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, किसी को आर्सेन समझा रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हैं, किसी से टाइम ले रहे हैं, किसी से संबंध स्थापित करने की बात कर रहे हैं, कोई बिजनेस की बात कर रहे हैं। बात का विषय कुछ भी हो, बात का विषय कुछ भी हो, अगर बात होश के साथ होती है तो परिणाम बहुत बेहतरीन आते हैं। बात बेहोशी में होती है तो परिणाम भगवान भरोसे। ये कला है, ये मनोविज्ञान है, ये आदत है, ये सिर्फ आदत की बात है। अपने आप को चेक करें, ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हो सकता है, भी गलत हो सकता है, जो भी गलत है हम उन्हें से जो भी, तो वो नहीं होना चाहिए। कई बार हमसे बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छी से मेरी बात सुनी जा रही है, और एकदम से हमसे ऐसी कोई बात निकल जाती है कि सारा क्या कराया पानी। नहीं होता है, बड़े नेता लोग पहले ऐसे कोई सेंटेंस बोल देते हैं, बयान ऐसा बयान दे दिया, फिर उसका पूरा विरोध होता है, माफी मांगते हैं, ये होता है। तो ये सब इसीलिए होता है कि हम होश की पकड़ जो है ना वो छोड़ देते। तो वही बात आ जाती है, हमारा जो दूसरा वाला साथी है, दोस्त है, उसको हमेशा साथ में रखना।
जो हमें जगाया रखता है। जिंदगी में हर जगह दो है, कुछ भी करो, यहां भी दो है, एक जो बोल रहा है और एक जो गाइड कर रहा है। जब गाइड करने वाला छूटा फिर मामला उल्टा, फिर कुछ हाथ में नहीं, फिर कुछ भी हो सकता है। अब प्लान ही दिखा रहे हैं, होश नहीं है तो क्या होता है कि वो जो रटा रटाया तो होता रटी। सामने वाले की स्थिति को समझ के उसके अनुसार उनकी क्या जरूरत है उसको समझना, उनके अनुसार बातचीत करना, ये तो हर समय की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत ज्ञान दिया जा सकता है पर आपको हर समय यही लाइन बोलनी, ऐसा कोई नहीं सिखाता। लाइन तो वक्त के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, सामने वाला कौन है क्या है उसके अनुसार हमें परिवर्तित करनी होती है। तो हमें ये तो सिखाया जा सकता है कि आपको किस में क्या ध्यान रखना है, पर यही बोलना है ये बड़ा मुश्किल काम। ये तो हमें इतना होश तो हमें रखना होगा। अभ्यास कैसे करेंगे? मामला तो ये है, चलो बात तो ठीक है, इसका अभ्यास कैसे करेंगे? इसका अभ्यास ऐसे करेंगे कि हम अलग अलग तरह से बातचीत में थोड़ा परिवर्तन लाए। पैटर्नाइज मत करो, मैकेनिज्म में मतलब मशीन बन जाएगी, जब भी मिलेंगे वही बोलेंगे, कोई तरीका वही सब कुछ ना हो, चेंज करते रहो। एक भाषा में एक ही बात के बहुत सारे शब्द क्यों दिए गए, एक ही बना देते। भाई सुंदर है, अब सुंदर का कभी खूबसूरत भी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी बना है, कभी बना है क्या बात है, उसके कितने तरीके हैं, क्या तारीफ करूं आप। तो इतने तरीके क्यों बनाए? इतने तरीके इसलिए बनाए कि आपका होश नहीं छूटे। अगर एक शब्द बना देंगे तो आपका होश छूट जाए कि कब कैसी कहां जरूरत है और कैसे आपको इस्तेमाल करना। तो बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं, बुरा नहीं माने, उनको जब बोलते हुए देखते हैं तो थोड़ी देर में पता लग जाता है कि बाकी ये लाइन बोलेगी। उसमें क्या होता है, मशीन बन जाता है, हमारा रोल ही खत्म हो जाता है। तो इसका अभ्यास के लिए क्या, थोड़ा बदल बदल कर बात को, भले कम बोलो, बहुत ज्यादा बोलना भी उलझना जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।